में ये जो कायराना हमला किया है और इससे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के 40 के करीब जवान हमारे शहीद हुए हैं और शहीदों को सही शहादत और सही सलामी, उनके विरुद्ध जो इन कायराना हमले में कार्रवाई की लोगों ने, आतंकियों ने, उन आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु तो पूर्व में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने पूरी मतलब शक्तियां दी है। बिल्कुल देखिएगा, पिछले कई महीनों से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद में शांति रही है और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान जो आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जो बाग जहां पे जाकर के आतंकियों ने अपना अड्डे बना रखे थे, उनको बिल्कुल समाप्त किया गया था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से अपने कल के अभिभाषण में अपनी बात, निश्चित रूप से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए दुनिया के सभी ही राष्ट्र एक मत हैं और इसको उस प्लेटफॉर्म पे जगह जगह जहां भी प्लेटफॉर्म जिस जगह पे कोई मीटिंग होती है, बैठक यूएन वगैरह है या यूएन की कोई अंग की बैठक है या G20 हो, किसी न किसी बहाने जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जब भी दूसरे देशों के विभाग उस देश के हेड से मिलते हैं तो बात को उठाते हैं। एक्चुअल में जैसे आज हमारे राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए हैं, 5ों जगह पे केंद्रीय मंत्री गए हैं इस शहादत को सलाम देने के लिए, उनको उनके मतलब परिवारों को सांत्वना देने के लिए और पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ सारे हम लोग इन परिवारों के साथ खड़े हैं। न केवल सरकार बल्कि देश का प्रत्येक वासी जो है वो इनके साथ में खड़ा है और जहां तक हालांकि वो कोई इनके लिए या इनके परिवार के लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी भारत सरकार ने एक अच्छा पैकेज जो है इनके परिवार के लिए दिया है। बच्चों को पढ़ाई का भी देखते हैं, सब प्रकार की, क्योंकि ये सरकार ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश इन शहादत देने वालों के साथ खड़ा है, उनके परिवारों के लिए सब साथ खड़े हैं।